बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्रभारी सुनीता प्रजापति ने बताया कि FLN प्रशिक्षण का शुभारंभ 31 जनवरी को किया गया था, जो कि 4 फरवरी तक चलेगा। इसमें लगभग 350 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 6 ट्रेनर्स द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं BRC संजय सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के अनुसार शिक्षकों को FLN प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षण है, कक्षा 1-2 पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण है। इसमें हमारे CAC भी प्रशिक्षण लेंगे ले रहे हैं। बैच में जो प्रथम बैच है 31 तारीख से 31 जनवरी से चालू हुआ था और 5 दिवसीय प्रशिक्षण है। इस प्रकार के 4 चरण अपने ब्लॉक में चलाए जाएंगे। ये पहली बार भारत सरकार ने जो शोध करवाया है, जो मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे पहले FLN के नाम से ये प्रशिक्षण शुरू हुआ है पूरे भारत में, जिसमें मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में सामने आया है। और लगभग 5 करोड़ बच्चे ऐसा शोध में आया है सामने कि कक्षा 5वीं तक पढ़ते पढ़ते बाहर हो जाते हैं। तो एक ऐसी प्रक्रिया बनाई गई है कि बहुत सरल तरीके से जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें यह तय किया गया है कि अब रटाने वाला काम नहीं हो। जैसे पहले एक बार एप्पल बताया जाता था, सी पार कैट बताया जाता था। FLN का ये प्रशिक्षण 5 दिन का है, प्रथम बैच है। इसमें 80 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और 6 हमारे MT हैं या DRG हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो अलग अलग विषय के हैं, 2 गणित के हैं, 2 हिंदी के हैं और 2 अंग्रेजी के हैं।